गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम आयुष शर्मा और आज का टॉपिक है हमारा मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग। तो हमने जो इससे पहले जो डार्क रूम पढ़ा था, तो मैंने उसमें बताया था कि डार्क रूम में हम क्या करते हैं, उसमें हम करते थे मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग या ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग। तो हम आज मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है, कौन कौन से सॉल्यूशन का यूज़ करा जाता है, तो वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं आज। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक करना। तो शुरू करते हैं हम। जो मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग होती है वो क्या होता है? तो जो मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग होती है, मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर सच एज डेवलपर, रिंसर, फिक्सर, वॉशर, ड्रायर। तो जो मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग होती है वो क्या होता है, उसमें एक सीरीज होती है। क्या होती है? इन्वॉल्व होती है हमारी सीरीज, जिसमें क्या क्या आता है, डेवलपर हो गया, रिंसर हो गया, फिक्सर हो गया, वॉशर हो गया, ड्रायर हो गया। ये क्या एक सीरीज बाई सीरीज में हम क्या करते हैं, एक फिल्म जो होती है उसकी प्रोसीजर, मतलब उसकी प्रोसेसिंग कराते हैं सीरीज बाई सीरीज की। पहले डेवलपर में जाएगी, उसके बाद रिंसर में जाती है, फिर फिक्सर में जाती है, फिर वॉशर में, फिर ड्रायर में। तो क्या हो गया, एक ही सीरीज हो गई। तो मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग में क्या होता है हमारा, हम एक जो सीरीज होती है उसमें वो इन्वॉल्व होती है और ऑर्गेनाइज कराते हैं प्रोसीजर। मतलब सीरीज क्या होती है, एक सीरीज के बेस पे पूरा चलता है, डेवलपर, रिंसर, फिक्सर, वॉशर, ड्रायर। हम सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं डेवलपर। डेवलपर क्या होता है? द फंक्शन ऑफ डेवलपमेंट टू कन्वर्ट द लेटेंट इमेज इनटू अ विजिबल इमेज विद द हेल्प ऑफ डेवलपिंग सॉल्यूशन। मतलब जो हमारा डेवलपर जो होता है उसका काम क्या होता है, डेवलपर का मेन फंक्शन होता है हमारा लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट करना। मतलब जो हमारी लेटेंट इमेज होती है वो इनविजिबल इमेज होती है, जो हमारी नेकेड आई से नहीं दिखती है। तो क्या होता है, इनविजिबल इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट करना, ये किसका काम होता है, हमारा डेवलपमेंट का। ठीक है, तो डेवलपमेंट का फंक्शन क्या हो गया, डेवलपर का फंक्शन हो गया कन्वर्ट द लेटेंट इमेज इनटू द विजिबल इमेज। ठीक, ये हो गया हमारा डेवलपर। अब हम बात करते हैं डेवलपर के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। मेन कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट जो हमारा डेवलपर होता है उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो सबसे पहले हमारा कंपोनेंट आता है मेटोल। मेटोल का दूसरा नाम होता है फेनिडॉन, जिसको हम मेटोल कहते हैं, फेनिडॉन कुछ भी कह सकते हैं। दूसरा जो हमारा इसका कंपोनेंट आता है वो होता है हाइड्रोक्विनोन। क्या होता है? हाइड्रोक्विनोन। ठीक, द मेन फंक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन is to reduce expose the silver highlight crystals to metallic silver without harming unexposed silver highlight crystals। इसका मतलब है जो इसका मेन फंक्शन होता है किसका, डेवलपर का। जो इसका डेवलपर का मेन फंक्शन होता है वो क्या करता है, जो हमारे एक्सपोज सिल्वर हाईलाइट क्रिस्टल हैं, जो हमारे सिल्वर हाईलाइट क्रिस्टल्स एक्सपोज हो गए उसको रिड्यूस कराता है। मतलब जो हमारे फिल्म पे जो हमारी एक्सरे फिल्म है उस पर जो एक्सपोज सिल्वर हाइड्राइड क्रिस्टल्स हैं उसको क्या कराएगा, ये रिड्यूस कराएगा। ठीक है, रिड्यूस कराएगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, मेटालिक सिल्वर हाइड्राइड क्रिस्टल्स में। जो ब्लैक मेटालिक सिल्वर हाइड्राइड क्रिस्टल्स होते हैं उनमें हमें कन्वर्ट कर देगा। कौन करेगा? डेवलपर। तो क्या करेगा, मेन फंक्शन क्या है, रिड्यूस करेगा एक्सपोज सिल्वर हाइड्राइड क्रिस्टल्स को और कन्वर्ट कर देता है किसमें, मेटालिक सिल्वर हाइड्राइड क्रिस्टल्स में, विदाउट हार्मिंग अनएक्सपोज सिल्वर हाइड्राइड क्रिस्टल्स। मतलब जो हमारे सिर्फ किस में चेंजेस आ रहे हैं डेवलपर से, जो हमारे एक्सपोज सिल्वर हाइड्राइड क्रिस्टल्स हैं उसमें। ठीक है, और किसी में नहीं आते, सिर्फ फिर क्या होता है, जो हमारे उसने क्या कर दिया, एक्सपोज सिल्वर हाइड्राइड क्रिस्टल्स को रिड्यूस कर दिया और मेटेलिक में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, और क्या करता है ये, विदाउट हार्मिंग। क्या मतलब, जो हमारे अनएक्सपोज सिल्वर हाइड्राइड क्रिस्टल्स हैं, जो अनएक्सपोज हैं उन पे किसी भी तरीके का कोई हार्म नहीं होता है, उन पे किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो किस में होता है, डेवलपर में। ठीक, फिर क्या होता है, ये क्या होता है, ये बेसिकली एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, क्या होता है, बेसिकली एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। ठीक, अब हम इसमें पढ़ते हैं, आर डेवलपर सॉल्यूशन कंटेन, डेवलपर सॉल्यूशन होता है वो क्या क्या कंटेन करता है। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें क्या, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, इट इज़ अ डिसॉल्व द केमिकल एंड ऑल्सो हेल्प फॉर द आयोनाइजेशन। ठीक, इसमें क्या होता है, जो हमारा केमिकल होता है, मेनली केमिकल होता है इसमें डिसॉल्व होता है। ठीक है, एडी क्या करता है, हेल्प करता है आयोनाइजेशन में। तो जो हमारा सॉल्वेंट होता है उसका एक और काम होता है, क्या करता है, हमारी जो जिलेटन इमर्सन लेयर होती है उसमें सॉफ्टनिंग प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और जो सॉल्वेंट होता है वो कॉमनली हम किसको यूज़ करते हैं, वाटर को। ठीक है, द कॉमनली यूज सॉल्वेंट इज़ वाटर। ठीक, फिर आते हैं हमारे क्या, डेवलपिंग एजेंट। डेवलपिंग एजेंट क्या होता है,
डेवलपमेंट एजेंट का फंक्शन क्या होता है या फिर उसका मेन पर्पस क्या होता है वो हम पढ़ते हैं. द मेन पर्पस ऑफ दिस एजेंट इज टू कन्वर्ट द एक्सपोज क्रिस्टल्स हाईलाइट सिल्वर हाईलाइट क्रिस्टल्स, जो क्रिस्टल्स की बात हो रही है वो सिल्वर हाईलाइट क्रिस्टल्स हैं, इन टू ब्लैक मेटेलिक सिल्वर. तो इसका जो मेन हमारा पर्पस होता है डेवलपिंग एजेंट का या मेन फंक्शन होता है वो होता है हमारा जो सिल्वर हाईलाइट क्रिस्टल्स हैं, जो एक्सपोज सिल्वर हाईलाइट क्रिस्टल्स हैं उनको कन्वर्ट करना किस में, ब्लैक मेटेलिक सिल्वर हाईलाइट क्रिस्टल्स में. मतलब क्या करता है, एक्सपोज को किस में चेंज करता है, ब्लैक मेटेलिक सिल्वर हाईलाइट क्रिस्टल्स में, जो हमारे किस पे शो होते हैं, फिल्म पे, जो फिल्म हमारी डेवलपर से डेवलपमेंट जो फिल्म हो जाती है उस पर इस तरीके की कुछ हमारे जो है शो होने लगते हैं, ब्लैक मेटेलिक सिल्वर्स. ठीक, फिर क्या होता है हमारा जो एजेंट इसके होते हैं, मेनली दो एजेंट हमने पढ़े थे जो इससे पहले हमने बताए थे, कि जो हाइड्रोक्विनोन होता है वो क्या होता है हमारा, जो हाइड्रोक्विनोन हमारा जो एजेंट होता है वो होता है स्लो एक्टिंग एजेंट होता है, मतलब स्लो वर्क करता है, स्लो रिस्पॉन्स मिलता है उसका. और वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है फिल्म पे, हाइड्रोक्विनोन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे हाई कॉन्ट्रास्ट के लिए. किसके लिए होता है, हाई कॉन्ट्रास्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और एक स्लो एक्टिंग एजेंट होता है. फिर हम पढ़ते हैं मेटोल और फेनिडोन. मेटोल और फेनिडोन क्या होता है, ये हमारे क्या होते हैं, ये एक रैपिडली हमारी कोई भी प्रोसेस को, मतलब जैसे ये मैंने बताया था कि स्लो एक्टिंग एजेंट है, तो मेटोल और फेनिडोन क्या है, एक हाई स्पीड में मतलब अपना वर्क जल्दी करते हैं, तो ये रैपिडली अपना जो भी प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होती है, उसको जल्दी करते हैं. तो मेटोल और फेनिडोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्रे कलर के लिए, ग्रे स्केल भी कहते हैं, ग्रे शेप भी कह सकते हैं ऑन द फिल्म. तो ये प्रोड्यूस करते हैं, ग्रे शेप प्रोड्यूस करते हैं हमारे फिल्म पे. फिर हम पढ़ते हैं इसमें एक्टिवेटर. अब इसमें एक्टिवेटर का क्या काम होता है, अभी हम ये पढ़ क्या रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं क्या जो हमारा डेवलपर होता है, डेवलपमेंट होता है, वो क्या क्या कंसिस्ट करता है. तो हमारा सॉल्वेंट आया, फिर आया हमारा डेवलपिंग एजेंट, अब हम उसी के अंदर पढ़ रहे हैं एक्टिवेटर. उसका काम क्या होता है एक्टिवेटर का, इट इज़ यूज टू ओपन द पोर्स ऑफ फिल्म एंड अलाउ टू डेवलपिंग एजेंट टू डू देयर वर्क. मतलब जो एक्टिवेटर होता है, एक्टिवेटर से क्या समझते हैं, किसी चीज़ को एक्टिव करना. तो एक्टिवेटर का भी काम यहाँ पर क्या है, एक्टिव करना किसी चीज़ को. तो क्या है इसमें, जो एक्टिवेटर होता है वो क्या करता है, हमारे जो फिल्म होता है, जो हमारी फिल्म होती है, एक्सरे फिल्म होती है, रेडियोग्राफिक फिल्म होती है, उसके जितने पोर्स होते हैं, मतलब उसमें जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सब चीज़ में पोर्स होते हैं छोटे छोटे, तो उनको ओपन करता है. पोर्स को क्या करता है, ओपन करता है. और क्या करता है, ओपन करके जो हमारा डेवलपिंग है उसको अलाउ करता है कि वो अपना काम ठीक से कर पाए. ठीक, डेवलपिंग एजेंट को अलाउ करता है कि वो अपना काम ठीक से कर पाए. दिस केमिकल इज़ एन एल्कलाइन. ये भी हमारा कौन सा किस में होता है, एल्कलाइन मीडियम में होता है ये. ठीक है, एल्कलाइन मीडियम में होता है एक्टिवेटर. द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम मेटाबोरेट. जो हमारा एक्टिवेटर है, अब क्या है, जो हमारा एक्टिवेटर है उसमें कुछ हमारे कंपोनेंट्स होते हैं इसके, कौन कौन से होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम मेटाबोरेट. इसके तीन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम मेटाबोरेट. ठीक, अब हम पढ़ते हैं प्रिजर्वेशन. प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ का कैसे बचाव करें, या कैसे बचाव हो रहा है, या किसी भी चीज़ को ख़राब होने से बचाएं. तो हम क्या पढ़ते हैं, प्रिजर्वेशन. प्रिजर्वेशन क्या होता है, प्रिजर्वेशन में क्या होता है, इट डिक्रीज द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्विनोन, देयर वायर द इंक्रीज द लाइफ ऑफ डेवलपर. प्रिजर्वेशन में क्या होता है, ये क्या करता है, हमारे जो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन है किसका, हाइड्रोक्विनोन का, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या करता है हाइड्रोक्विनोन का, डिक्रीज करता है उसका जो ऑक्सीडेशन का रेट होता है उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है. और क्या करता है, देयर वाय इंक्रीज द लाइफ ऑफ डेवलपर सॉल्यूशन. मतलब क्या करता है, ऑक्सीडेशन के रेट को डिक्रीज करता है, हाइड्रोक्विनोन के ऑक्सीडेशन रेट को डिक्रीज करेगा. और क्या करेगा, हमारा इंक्रीज कर देगा किसको, लाइफ ऑफ डेवलपर सॉल्यूशन. जो डेवलपर की लाइफ होती है उसके सॉल्यूशन की, उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. जो हमारा प्रिजर्वेशन होता है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है, उसमें हमारा होता है सोडियम सल्फाइड एंड पोटेशियम मेटासल्फाइड इज यूज एज प्रिजर्वेशन. मतलब जो हमारा प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या चीज़ की यूज़ करी जाती है, इसमें कौन कौन से केमिकल होते हैं, इसमें
सोडियम सल्फाइड और पोटेशियम मेटासल्फाइड, ये हम यूज़ करते हैं किसके लिए, प्रिजर्वेशन के लिए। फिर हम पढ़ते हैं रिस्टेनर। रिस्टेनर क्या होता है, ये रिस्टेनर क्या होता है, इट डिक्रीज द रेट ऑफ फॉग फॉर्मेशन। ये क्या करता है, हमारा फॉग फॉर्मेशन के रेट को डिक्रीज करता है विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड। जो रिस्टेनर होता है वो क्या करता है, हमारे जो फॉग फॉर्मेशन है, हमारे जो फिल्म पे फॉग फॉर्मेशन होता है जो आर्टिफैक्ट क्रिएट करता है, उसके रेट को क्या करता है, डिक्रीज करता है, और पोटेशियम ब्रोमाइड को, वो पोटेशियम ब्रोमाइड की हेल्प से, ठीक है, क्या करता है ये रिस्टेनर, फॉग फॉर्मेशन को डिक्रीज करता है विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक। अब हम पढ़ेंगे रिप्लेनिशमेंट सिस्टम। रिप्लेनिशमेंट क्या होता है, जो रिप्लेनिशमेंट होता है, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, ये आप पढ़ लेना, आप लोग खुद देख के इसको। रिप्लेनिशमेंट क्या होता है, रिप्लेनिशमेंट एक तरीके से, जैसे अभी हम कोई भी चीज़ है, मान लेते हैं एग्जांपल कि हम कोई भी चीज़ है जिसका डेली यूज़ कर रहे हैं, कोई सॉल्यूशन है हम उसका डेली यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, हल्के 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 यूज़ करते करते क्या होता है, एक दिन ऐसा होगा कि उसका वॉल्यूम जो भी सॉल्यूशन है बिल्कुल कम हो जाएगा, स्ट्रेंथ तो उसकी कम हो जाएगी। इसी तरीके से इसमें रिप्लेनिशमेंट का भी मतलब वही होता है कि हमारा जो डेली यूसेस, मतलब हमारा जो फिल्म प्रोसेसिंग हम करते हैं डेवलपर से या फिर फिक्सर से, रिंसर से, तो क्या होता है डेली यूजेस की वजह से क्या होता है, जो हमारा एजेंट है उसमें, जो डेवलपर एजेंट है या फिक्सर एजेंट है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, इसका वॉल्यूम है, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक, वो रिड्यूस हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, अगर हमारा वो क्या नाम, उसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम हो रहा है, तो उसका जो उसकी काम करने की जो क्षमता होगी, जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी जो क्षमता होगी, जो उसका पोटेंशियल होगा काम करने का, वो भी कम होगा, क्योंकि सॉल्यूशन की क्वांटिटी कम होती है तो उसकी काम करने की क्षमता भी कम होगी, क्योंकि उसमें जितना ज़्यादा हम इसमें क्या करेंगे, जैसे हमारा डेली यूज़ में क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि रिड्यूस होते हैं हमारे एक्सपोज सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल, तो रिड्यूस होकर वो किस में जाते हैं, वो उसी में रह जाते हैं सारे, तो क्या करेंगे, वो हमारे पोटेंशियल कम करेंगे, उसका क्या करने का, डेवलपिंग कराने का। तो रिप्लेनिशमेंट सिस्टम बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा स्ट्रेंथ या क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी या फिर वॉल्यूम जो भी उसमें डिक्रीज होता है, रिप्लेनिशमेंट सिस्टम में क्या होता है, इंक्रीज़ करता है उसको, क्या करता है, उसको इंक्रीज़ करता है। इस सिस्टम में क्या होता है, हमारे वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हैं, उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं, उसकी क्या नाम, स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो वो किस में होता है, रिप्लेनिशमेंट सिस्टम में, जो हमारे टैंक्स होते हैं तीनों, उनके लेवल जो भी सॉल्यूशन होता है उसके लेवल को बढ़ाता है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं रिंसर। रिंसर क्या होता है, बेसिकली जो रिंसर हमारा होता है वो क्या होता है, जो हमारी जब फिल्म डेवलपर टैंक से, जो डेवलपमेंट का टैंक होता है उससे जब फिक्सर में जाती है, तो जो बीच में एक टैंक होता है उसको हम कहते हैं रिंसर। तो रिंसर का जो मेनली काम होता है वो क्या करता है, जो हमारे डेवलपर सॉल्यूशन के जो भी ट्रेसेस या उसके कोई भी पार्टिकल सॉल्यूशन के या फिर उसका कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट में कोई सॉल्यूशन हमारे जो फिल्म पे लगा रह जाता है, ठीक है, जो हमारे फिल्म पे क्या है, ऐसे फिल्म पे जो लगा रह जाता है उसको क्या करता है, रिमूव करता है, क्या करता है, रिमूव करता है। और जो हमारा रिंसर होता है उसमें क्या होता है, हमारा जो इसमें क्या होता है, एक सर्कुलेटिंग वाटर होता है इसमें, ठीक है, मतलब सर्कुलेटिंग वाटर का मतलब पानी इसमें चलता रहता है रेगुलरली, रुका हुआ पानी नहीं रहता है इसमें, रेगुलरली पानी चलता रहता है, जिस वजह से क्या होती है, हमारी फिल्म जो होती है उस पर जितने भी ट्रेसेस लगे होते हैं डेवलपमेंट के या फिर सॉल्यूशन के, वो क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। और कम से कम हमारी जो फिल्म रहती है इसमें 30 से 40 मिनट तक फिल्म इसमें क्या कराते हैं, हम सस्पेंड कराते हैं, ठीक, किसमें, रिंसर टैंक में। ये क्या कराता है, ये क्या करता है, हमारे जितने भी ट्रेसेस होते हैं सबको क्या कराता है, रिमूव करता है हमारे कहाँ से, फिल्म से, ठीक। और क्या काम होता है हमारे रिंसर का, दूसरा काम होता है रिंसर का, इट ऑल्सो प्रिवेंट द टैंक ऑफ फिक्सर सॉल्यूशन फ्रॉम द कंटामिनेशन विद द सॉल्यूशन ऑफ डेवलपर। मतलब जैसे अभी मैंने बताया था कि जो हमारा क्या होता है रिंसर, उसका काम क्या होता है, जितने भी हमारे डेवलपर सॉल्यूशन के जितने भी ट्रेसेस हैं वो उसको रिमूव करता है। तो क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है कंटामिनेशन होने से, किसका कंटामिनेशन होने से, डेवलपर सॉल्यूशन का फिक्सर सॉल्यूशन से, आपस में मिलने से रुकता है उन्हें, कि पता चलता है कि अगर हमने इसको नहीं करते हम रिंसर को तो क्या होगा, जो डेवलपर सॉल्यूशन है वो किस में पहुंच जाएंगे, हमारे फिक्सर टैंक में, तो उससे क्या होगा, हमारे फिल्म पे आर्टिफैक्ट आ सकता है और भी बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो क्या करता है ये, इसका काम क्या होता है रिंसर का, ये प्रिवेंट करता है किसको, कंटामिनेशन होने से,
डेवलपर सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को फिक्सर सॉल्यूशन में। ठीक, अब हम पढ़ते हैं फिक्सर। फिक्सर क्या होता है? ये जो फिक्सर होता है उसमें क्या होता है, द पर्पस ऑफ फिक्सर, जो हमारा पर्पस होता है वो हम इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले, टू रिमूव द अनएक्सपोज एंड अनडेवलपमेंट सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल्स। ठीक, अभी क्या हो रहा था जब हमने उसमें पढ़ा था डेवलपमेंट में, कि जो एक्सपोज सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल्स हैं उसको रिड्यूस करता है और कन्वर्ट करता है किसमें, ब्लैक सिल्वर हाइलाइट, ब्लैक मेटेलिक सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल्स में। फिक्सर में क्या हो रहा है, फिक्सर में क्या हो रहा है, ये क्या करता है, हमारा जो अनएक्सपोज और अनडेवलप, डेवलपमेंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसमें डेवलप भी जो डेवलप होने थे वो डेवलप हो गए। इसमें क्या होता है, जो हमारे अनएक्सपोज मतलब जो एक्सपोज नहीं हुए हैं और अनडेवलप, उसमें क्या हो रहा था, सिर्फ एक्सपोज सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल्स में क्या हो रहा था, हमारे कन्वर्ट हो रहे थे ब्लैक मेटेलिक सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल्स में एक्सपोज। अनएक्सपोज को कोई हर्म नहीं करता था, लेकिन फिक्सर में क्या होता है, जो अनएक्सपोज सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल्स हैं या अनडेवलप सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल्स हैं उसको क्या करता है, रिमूव करता है कौन, फिक्सर। उसके बाद क्या काम होता है हमारा, और क्या करता है फिक्सर, और क्या करता है फिक्सर, जो होता है हमारा, जो हमारी इमल्सन लेयर होती है, जो हमारी इमल्सन लेयर होती है उसको क्या करता है, ये हार्ड करता है, क्या करता है, हार्ड करता है ताकि वो ईजिली डैमेज ना हो। तो फिक्सर का एक और काम क्या होता है, हमारे जो इमल्सन लेयर होती है उसको क्या करता है, हार्ड करता है। इमल्सन लेयर पर क्या होता है, हमारी जो फिल्म का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, हमारा इमल्सन लेयर पे। तो हमारे इमल्सन लेयर को हार्ड करता है ताकि वो ईजिली डैमेज ना हो। ठीक, फिर हम पढ़ते हैं जो फिक्सर होता है वो क्या क्या इंग्रेडिएंट कंसिस्ट करता है। इसमें चार चीज़ें मेनली हमारी क्या होती हैं, कंसिस्ट करता है क्या फिक्सर, चार चीज़ों को कंसिस्ट करता है जो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा फिक्सिंग एजेंट। अब हम पढ़ते हैं क्या फिक्सिंग एजेंट, फिक्सिंग एजेंट क्या होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो फिक्सर का मेन पर्पस क्या होता है, अनएक्सपोज और अनडेवलपमेंट सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल्स को रिमूव करना। तो बेसिकली अगर हम फिक्सिंग एजेंट में देखें तो काम वही होता है, क्या काम होता है कि जो अनडेवलप और अनएक्सपोज सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल्स हैं उनको रिमूव कराता है ये। ठीक, और जो हमारे सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल्स हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। तो क्या कराता है, इन दोनों चीज़ों में ये क्या करता है, रिमूव कराता है अनएक्सपोज और अनडेवलपमेंट सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल्स को। ठीक, और जो उसमें एजेंट होते हैं वो कौन कौन से एजेंट होते हैं हमारे, सोडियम थायोसल्फेट और अमोनियम थायोसल्फेट। ये दोनों एजेंट की हेल्प से क्या होता है, हमारा जो अनएक्सपोज और अनडेवलपमेंट सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल्स हैं उनको क्या कराता है, रिमूव कराता है। और जो एक्सपोज सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल्स हैं, जो मेटेलिक सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल में चेंज हो गए हैं, उनमें क्या कराता है, ये उनको फिक्स करता है, उनको क्या करता है, फिक्स करने का काम करता है। तभी हम इसको फिक्सर कहते हैं, इनको क्या करता है, फिक्स कर देता है, और जो अनएक्सपोज और अनडेवलपमेंट है उनको रिमूव करता है। फिर हम इसमें प्रिजर्वेशन पढ़ते हैं, जो हमने अभी इससे पहले भी पढ़ा था किसमें, डेवलपमेंट में। अब हम फिक्सर में प्रिजर्वेशन पढ़ते हैं। प्रिजर्वेशन का काम क्या होता है, जैसे मैंने उसमें बताया था आपकी, ये प्रोटेक्ट करता है ख़राब होने से सॉल्यूशन को। तो इसमें है, इट प्रोटेक्ट द फिक्सिंग एजेंट फ्रॉम द डिकम्पोजिशन एंड हेल्प टू क्लियर द फिल्म विद द यूज़ ऑफ सोडियम सल्फाइड। तो प्रिजर्वेशन का काम क्या होता है, जो हमारा सॉल्यूशन है, फिक्सिंग एजेंट है, उसको डिकम्पोज होने से बचाता है। ठीक, क्या करता है, डिकम्पोज होने से बचाता है, और क्या करता है, हेल्प टू क्लियर द फिल्म, और फिल्म को क्लियर करता है। ठीक, क्या करता है प्रिजर्वेशन, हमारे जो फिल्म है, जो फिल्म है और फिक्सिंग एजेंट है उसको डिकम्पोज होने से बचाता है। किसकी हेल्प से, द हेल्प ऑफ सोडियम सल्फाइड। कौन सा इसमें केमिकल होता है हमारा, सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड की हेल्प से क्या करता है, ये हमारे जो फिक्सिंग एजेंट है या फिर हमारे फिल्म है उसको डीकम्पोज होने से बचाता है। क्या होने से बचाता है, डीकम्पोज। ठीक, अब हम पढ़ते हैं हार्डनर। हार्डनर क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया था फिक्सर में क्या करता है, फिक्सर का काम क्या होता है, हमारे जो इमल्सन लेयर होती है उसको हार्ड करता है। ठीक, तो हार्डनर, इट हार्ड द जिलेटिन इन द इमल्सन देयर बाय द प्रोटेक्टिंग द फिल्म अगेंस्ट द स्क्रैचेस। क्रोम एलम और पोटेशियम एलम इज यूज एज हार्डनर। ठीक, तो हार्डनर क्या होता है, बेसिकली जो हमारे जिलेटिन लेयर होती है, जिलेटिन और इमल्सन, जो हमारे इमल्सन लेयर होती है वो जिलेटिन से मिलकर बनी होती है, उसमें जिलेटिन होता है, इमल्सन होता है, इन दोनों चीज़ों का मिक्सअप होता है। ठीक, तो उसमें क्या होता है, जो हमारी हार्डनर होता है वो क्या करता है, जिलेटिन लेयर को या हमारे इमल्सन लेयर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक, क्या करता है, हार्ड करता है उसको और प्रोटेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ किसके, क्रोम एलम
और पोटेशियम एलम। ठीक है, तो हार्डनर का काम क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया था कि डैमेज होने से बचाता है, इसको स्क्रैचेस आने से बचाता है, फोल्ड होने से बचाता है, तो ये सारी चीज़ें हार्डनर करता है, जिसमें क्या किस केमिकल का हम यूज़ करते हैं, क्रोम एलम और पोटेशियम एलम इज यूज टू एज अ हार्डनर। ठीक, फिर हम क्या पढ़ते हैं, एसिड। एसिड क्या होता है, इट न्यूट्रलाइज द एल्कलाई विच स्टिल रिमेन्स ऑन द फिल्म एंड प्रोवाइड्स एंड द ऑप्टिमम मीडियम फॉर द फिक्सर एंड हार्डनर। अब मैंने बताया था ये दोनों चीज़ जो हमारा डेवलपमेंट होता है या फिर फिक्सर होता है क्या होते हैं, एल्कलाई मीडियम में होती है। बेसिकली क्या, एल्कलाई मीडियम में होती हैं, तो हमारी जो फिल्म होती है उस पर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत उसके एल्कलाई मीडियम के क्या कुछ पार्टिकल्स उस पर रह जाते हैं, तो एसिड का काम क्या होता है, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक, उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं और ऑप्टिमम मीडियम फॉर द फिक्सर एंड हार्डनर, और क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं ऑप्टिमम मीडियम किसके लिए, फिक्सर और हार्डनर के लिए। हम इसमें किस किस चीज़ का, कौन कौन से एसिड का यूज़ करते हैं, सल्फरिक एसिड और एसिडिक एसिड का यूज़ करते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक, एल्कलाई जो कुछ रिमेन्स एल्कलाई उस पर बचे हैं हमारे, उसको क्या करता है, ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। ठीक, फिर इसमें एक नोट है जो हम पढ़ते हैं, रैपिड फिक्सर इट कंटेंस इज एडिशन अमोनियम क्लोराइड एंड रिड्यूस द फिक्सिंग टाइम टू हाफ। जो हमारा, अगर ये जो हम अभी हमने जो भी सॉल्यूशन पढ़े, अगर हमें रैपिड फिक्सर चाहिए, मतलब हमें रैपिड फिक्सिंग चाहिए जल्द से जल्द, मतलब बहुत मतलब फास्ट स्पीड में कोई हमारा फिक्सिंग हमें एजेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे उसमें, हम उसमें ऐड कर देते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, जो क्या करता है, अमोनियम क्लोराइड एक हमारा क्या होता है, फास्ट एक्टिंग एजेंट होता है, जो क्या करता है, हमारे फिक्सिंग को, जो फिक्सर का टाइमर होता है उसको बढ़ा देता है और रिड्यूस कर देता है क्या, फिक्सिंग टाइम। ठीक, क्या करता है, हमारा जो हमारा फिक्सिंग करने का टाइम है उसको रिड्यूस करता है और जो उसकी प्रोसेसिंग होती है उसको स्पीड में बढ़ा देता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे बॉशिंग। बॉशिंग क्या होता है, अभी जो हम पूरी सीरीज पढ़ रहे थे इसमें अब पढ़ते हैं बॉशिंग। बेसिकली जो बॉशिंग हमारा होता है उसमें क्या करते हैं, बॉशिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को धुलना। ठीक, अब यहाँ पर भी क्या होगा, हमने क्या करा, पहले डेवलप किया, डेवलपमेंट किया फिल्म का, जो भी इमेज थी उसको डेवलप किया, डेवलप करने के बाद उसको फिक्स कर दिया। अब फिक्स करने के बाद क्या, सॉल्यूशन जो उस पर पार्टिकल्स लगे हैं, अब हम उसको साफ़ करना है तो हम क्या करेंगे, वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग में क्या होता है, आ रनिंग वाटर टैप वाटर और द वाटर टैंक यूज एज अ वॉशर। जो वॉशर होता है उसमें क्या करते हैं हम, या फिर उसमें रनिंग वाटर का यूज़ करेंगे हम, वॉश बेसिन वगैरह हो सकता है या फिर कोई टैंक हो सकता है वाटर का। ठीक, ये हमारा क्या हो सकता है, इसमें टैप वाटर। टैप वाटर का मतलब क्या होता है, इसमें जैसे हमारे टंकी से चलता हुआ पानी होता है, इसमें उसका यूज़ करेंगे हम। ठीक, क्या होता है वॉशिंग में, पढ़ते हैं हम, आफ्टर फिक्सेशन द नेक्स्ट स्टेज इन द प्रोसेसिंग इज टू द वॉश अवे एनी रिड्यूस हाइपो क्लीनिंग टू द सरफेस ऑफ द फिल्म। जो हमारा वॉशिंग होता है वो क्या करता है, हमारा आफ्टर फिक्सेशन, मतलब जो हमारा ये स्टेज होती है आफ्टर फिक्सेशन, मतलब फिक्सेशन के बाद हम इसको क्या करते हैं, वॉश करते हैं, जो क्या करता है, हमारी जो फिल्म होती है उसको क्लीन करता है, दोनों तरफ से क्लीन करता है, दोनों सरफेस को क्लीन करता है। ठीक, जो हमारा इसमें रिक्वायर्ड टाइम होता है वो 10 से 15 से 20 मिनट होता है, मतलब 15 से 20 मिनट हमें क्या करना चाहिए, वॉश करनी चाहिए फिल्म को। ठीक है, वो क्या करता है, रिमूव करता है एक्स्ट्रा अमाउंट में जितने भी केमिकल लगे होते हैं हमारे किस पे, फिल्म पे या फिर इमल्सन लेयर पे, उसको क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, जो हमारी फिल्म जो होती है शुड बी वॉश इन द सर्कुलेटिंग सो डैट द बोथ सरफेस ऑफ द फिल्म रिसीव वाटर कंटिन्यूसली। मतलब जो हमारी फिल्म होती है उसके हमें दोनों सरफेस धुलने होते हैं, जिसमें सर्कुलेटिंग वाटर होता है, तो दोनों सरफेस हमारे क्या हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं कंटिन्यूसली वाटर की सर्कुलेटिंग से। ठीक, फिर हम पढ़ते हैं ड्राइंग। ड्रायर क्या होता है, ड्राइंग सुखाना, हमने पहले क्या करा, डेवलप किया, फिर रिंसर में उसको ड्रेस को रिमूव किए, फिर क्या करा हमने, फिक्सिंग में हमने फिक्सिंग फिक्स किया उसको फिल्म को, और अनडेवलपमेंट और फिर या अनएक्सपोज सिल्वर हेलिकॉप्टर को रिमूव करा, फिर वॉश किया हमने सॉल्यूशन को, ट्रेसेस को हटाया सॉल्यूशन के, अब क्या करेंगे हम खुद सुखाएंगे। तो ये क्या होता है, ये हमारा लास्ट स्टेप होता है किसका, मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग का। तो हम क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं ड्रायर।
ड्रायर में क्या होता है, ड्रायर का मतलब क्या होता है, सुखाना किसी चीज़ को। हमने सबसे पहले क्या करा, हमने डेवलप किया, फिर रिंसर किया, फिर फिक्सिंग किया, फिर वॉशर किया, अब क्या कर रहे हैं, ड्रायर। ड्रायर क्या होता है, हमारा लास्ट स्टेप होता है किसका, मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग का। और अप्रॉक्स हमें इसमें कितनी देर लगती है, 10 से 15 मिनट लगते हैं क्या करने में, ड्राई करने में। ठीक, इसमें क्या होता है, जो हमारा टेम्परेचर होता है ड्रायर का, जो ड्रायर में जब जो हम फिल्म को सुखाते हैं, मैक्सिमम जो हमारा अप्रॉक्स टेम्परेचर होता है वो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारी फिल्म होती है उसको हैंग करते हैं, किस पे लटका देते हैं, हम जो हमारे हैंगर वगैरह होते हैं हम उस पे लटका देते हैं। और क्या क्या कैसी जगह पे हम उसको हैंग करते हैं, जो डस्ट फ्री एरिया हो, जहाँ पे डस्ट ना आए किसी तरीके का, कोई भी ऐसा कोई डस्ट पार्टिकल ना आए जो हमारी फिल्म पर आर्टिफैक्ट क्रिएट करे। ठीक, और जो हमारा ड्रायर होता है ये फाइनल स्टेप होता है फिल्म प्रोसेसिंग का। ठीक, इसमें क्या कर देते हैं हम, जो हमारा रेडियोग्राफ होता है उसे ड्राई करते हैं विद द हेल्प ऑफ हॉट एयर। ठीक, इसमें क्या करते हैं, हॉट एयर का यूज़ करते हैं हम, जैसे हमारा ब्लोअर वगैरह हो गया, हीटर हो गया, उसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं फिल्म को। ठीक है, तो अब हमारा क्या होता है, मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग कंप्लीट होता है। और अगर किसी को किसी तरीके की कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।